पहले हापुड़ में भीड़ बनी हैवान, अब बरेली में बर्बरता। शाहरुख की दुश्मन शैतान भीड़, कातिल भीड़ ने चोर को मार डाला। पीट पीट कर बेरहमी से उतारा मौत के घाट। हापुड़ में भीड़ के बेरहम चेहरे का दाग अभी दूर भी नहीं हुआ था कि बरेली में फिर भीड़ का अत्याचार सामने आ गया। बेरहमी ऐसी, जुल्म ऐसा और हत्या को उतारू हैवानों की ऐसी फौज जिन्होंने मानवता की बीच सड़क बलि ले ली, वो भी पीट पीट कर। बरेली थाना कैंट के भोलापुर हडोलिया में 28 अगस्त मंगलवार की रात भैंस चोरी कर भाग रहे चार चोरों में से एक को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर उस पर ऐसा टूटे कि जब तक सांसें नहीं टूटी, हाथ पैर और हथियार से हमले होते रहे। दरअसल बरेली के कैंट थाना के ठिरिया का रहने वाला शाहरुख खान दुबई में रहकर काम करता था। वो करीब एक महीने पहले बरेली आया था। भाई ने बताया कि मंगलवार की रात शाहरुख को मोहल्ले का माजिद अली, पप्पू और एक दूसरा दोस्त बुलाकर ले गए थे। रात में जब शाहरुख नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। माजिद और पप्पू के घर जाकर देखा तो वो भी घर पर नहीं थे। परिजनों को लगा कि सुबह तक शाहरुख आ जाएगा, लेकिन उनके पास यूपी हैंडेड के मोबाइल नंबर से फोन आया तो घर वालों के होश उड़ गए। और इन्हों को ये लड़के ले गए थे, माजिद और जिनका नाम है पप्पू, ये ले गए थे और इन्हें कुछ टैबलेट भी दिए, इन्हें खिला दिए और गांव में ले जाकर इनको पब्लिक ने भी मारा है, फिलहाल उन्हें भी मारा है, ये मुझे पता नहीं। जब सुबह मैं यहाँ पर आया हॉस्पिटल में तो ये होश में थे, इन्होंने मुझे सारी बातें बताई, फिर इनकी डेड हो गई और पब्लिक ने मारा। ये लोग कहते हैं कि चोरी की या पुलिस, मतलब ये कि भैंस चुराने गए थे, ये तो कोई मामला है भी नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। ये मारने के बाद में इंसान अपना बचाव जरूर करता, चोर के ऊपर तो इल्ज़ाम जरूरी लगाएगा कि ये चोर था। जब इंसान मर जाएगा तो उसके ऊपर तो इल्ज़ाम ही लगाएगा ना कि वो चोर था। भीड़ ने जब अपनी कातिल प्यास बुझा ली तो फोन करके पुलिस के हवाले कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मौत हो गई। कैंट पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तो कैंट थाना जो गांव वाला ने अपना भैंस चोरी प्रयास किया, उन्होंने 379/511 में उन्हें अटेम्प्ट चोरी के लिए प्रयास, उन्होंने गांव वाले ने एफआईआर दर्ज कराया और जो मृतक का भाई है कुछ दो लोग का नामजद, बाकी लोग गांव वाले के खिलाफ 15 अज्ञात लोग के खिलाफ उन्होंने 302 में एफआईआर दर्ज कराया। क्या किसी को हिरासत में अब तक गिरफ्तारी हुई है? अभी पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में लेके गांव वालों को पूछताछ कर रही है और बाद में हम टीम भी गठित किया है जो रात में जो जो आदमी गांव में वहां पे इस तरह घटना के उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई की बात तो कह रही है, पर सवाल ये है कि खाकी के आने से पहले ही भीड़ फैसले पर उतारू कैसे हो जाती है, कैसे किसी की जान का दुश्मन बन जाती है और किसी की जिंदगी का फैसला बीच चौराहे इतनी बर्बरता से कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।